केंद्र सरकार ने सेना के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा तीनों सेना को 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया गया है। सेना इस फंड का उपयोग हथियार खरीदने के लिए कर सकेगी। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। मोदी सरकार द्वारा आपातकालीन आवश्यकता प्रक्रिया के तहत हथियार प्रणाली खरीदने के लिए तीनों सेनाओं को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है। अब वे इन शक्तियों के तहत 500 करोड़ रुपये तक के कोई भी नए हथियार खरीद सकते हैं। यह सेना को मिली बहुत बड़ी आर्थिक मदद है। केंद्र सरकार ने सीमा पर चीन के साथ जारी सैन्य विवाद को दृष्टि में रखते हुए भारतीय पक्ष की सामरिक सुरक्षा हेतु बहुत बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए सुरक्षा तंत्र सशक्त बनाने वाले आवश्यक अस्त्र खरीदने की अनुमति दे दी है। हालांकि चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए ऐसे में चीनी सेना के आक्रामकता और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती के बाद केंद्र सरकार की तरफ से आपात स्थिति में हथियारों की खरीद की शक्ति को सेना को देने की जरूरत महसूस की गई थी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को चीन के साथ हिंसक हड़कंप में भारत ने 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत ने चीन से अग्रिम इलाकों में लड़ाकू विमानों और हजारों की संख्या में अतिरिक्त सैनिकों को भेजा जा चुका है। गलवान घाटी में हिंसा 45 वर्षों में सीमा पार हिंसा की सबसे बहुत बड़ी घटना है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। तीनों सेनाओं ने पहले ही हथियारों और उपकरणों की एक सूची तैयार करना शुरू कर दिया है जिनकी उन्हें आवश्यकता है और कम से कम समय में इस योजना के तहत खरीदा जा सकता है। भारतीय सेना अपने गोला बारूद के विस्तार के लिए आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने जा रही है। उरी अटैक के बाद बीते 4 वर्षों में रक्षा बलों ने कई पुर्जों और मिसाइलों का स्टॉक किया था जो उस समय भारत के पास बेहद ही कम थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।